अब कुछ लोग विश्वास नहीं करते पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। हाँ तो फाइनली दोस्तों आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी को 2 दिन कंप्लीट हो गए हैं सिनेमा घरों में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताए चले कि आज इस फिल्म का 3रा दिन है सिनेमा घरों में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी के फर्स्ट डे और सेकेंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे कि थर्ड डे यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या रिस्पॉन्स दिखा रही है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारे इसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों को बताए चले कि आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी, जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद सिनेमा घरों में लाल सिंह चड्ढा मूवी को रिलीज किया गया है। हालांकि 4 साल में ही एक फिल्म करते हैं आमिर खान और 4 साल में उनकी एक फिल्म कोई ना कोई आ जाती है, लेकिन दोस्तों आप लोग बताए चले कि 8 साल हो गए क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया था, इसी कारण बहुत ही लंबा गैप हो गया। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि लाल सिंह चड्ढा मूवी की स्टोरी में दम है और लाल सिंह चड्ढा मूवी की तारीफ भी कर रही है ऑडियंस। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को बताए चले कि लाल सिंह चड्ढा मूवी में आप लोगों को आमिर खान, करीना कपूर, नागा चैतन्य नजर आए हैं। दोस्तों यह जो कि हिंदी भाषा की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी जो कि आमिर खान के प्रोडक्शन तले ही बनाई गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी के जो कि स्क्रिप्ट और वहीं दोस्तों इस मूवी के जो कि कहानी के बारे में, तो आप लोगों को बताए चले कि इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही प्यारी है और बहुत ही जोरदार है, और साथ ही साथ इस पे कहानी पे जो रिसर्च किया है आमिर खान ने और जिस तरीके से उन्होंने बनाया है लाल सिंह चड्ढा मूवी को, बहुत ही भारी भरकम बजट भी लगा है। और साथ ही साथ आप लोगों को बताए चले कि लाल सिंह चड्ढा मूवी की स्टोरी में दम है और ऑडियंस कनेक्ट भी कर रही है। दोस्तों आप लोगों को बताए चले कि आमिर खान की हर फिल्में कुछ ना कुछ सिखाती है, हालांकि बायोपिक रहती है फिल्में, लेकिन इसके बावजूद भी आमिर खान कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं उस फिल्म में। दोस्तों आप लोगों को बताए चले कि रियल सच्ची घटना पर आधारित दंगल फिल्म जिसने अच्छा खासा कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताए चले कि 3 इडियट जैसी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार और धमाकेदार तरीके से कलेक्शन किया था। आमिर खान अभी तक इन्होंने रिकॉर्ड बनाया ही है बॉलीवुड में, अभी तक ये रिकॉर्ड बनाने के नाम से ही जाने गए हैं। फाइनली दोस्तों आप लोगों को बताए चले कि लाल सिंह चड्ढा मूवी जो कि अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। दोस्तों वहीं सेकेंड डे की बात करें तो सेकेंड डे इस फिल्म ने थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन आप लोगों को बताए चले कि इस फिल्म ने अपने सेकेंड डे में जो कि 8 करोड़ का कारोबार किया है बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों वही बात कर लेते हैं थर्ड डे के बारे में, तो आज 3रा दिन है इस फिल्म को और यह सिनेमा घरों में जोरदार और धमाकेदार तरीके से रिस्पॉन्स दिखा रही है, और यह फिल्म अपने 3रे दिन में कम से कम दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि 15 से 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी अपने 3रे दिन। दोस्तों अगर आप लोगों ने लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी है तो आप लोगों को लाल सिंह चड्ढा मूवी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए विजिट कर रहे हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।